किसी ने सच ही कहा है कि सिर्फ ड्रीम्स देखने से कुछ नहीं होने वाला, पर उसको पूरा करने की हिम्मत और जज्बा भी होना चाहिए। अर्जुन वाजपेयी, पॉपुलरली नोन एज द माउंटेन बॉय, स्टूडेंट ऑफ रैन इंटरनेशनल स्कूल नोएडा, ने भी एक ऐसा ही ड्रीम देखा और उसको सक्सेसफुली पूरा भी किया। क्या है वो ड्रीम? आइए जानते हैं इस यंग अचीवर की जर्नी टू फेथ मूव माउंटेन। 22 मई 2010, एक लड़का अपने सपनों को हासिल करता है, एक हिंदुस्तानी अपने साहस का प्रदर्शन करता है, एक बेटे ने अपने परिवार का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। हर रोज वो सेम ओल्ड सनराइज को देखकर एक 16 साल का टीनेजर थोड़ा बोर हो गया था, तो उसने सोचा कि क्यों ना सूर्योदय को एक नए तरीके से देखा जाए। इसलिए 22 मई 2010 के दिन ठीक 6:18 पर अर्जुन वाजपेयी ने सूर्योदय का अनोखा मजा लिया। बट इस हैरतअंगेज दृश्य को हासिल करना आसान नहीं था, उसे पार करना था बर्फ और खतरों से भरी 8,848 मीटर की असाधारण ऊंचाई। वो कहते हैं ना, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो कभी हिम्मत नहीं हारते। माउंटेन बॉय अर्जुन वाजपेयी ने दुनिया को एक अद्भुत तरीके से देखा, माउंट एवरेस्ट की चोटी से। Question. I've read about George Mallory's experience in climbing the Mount Everest, and there was this point of time in his life when he faced so much difficulty, like taking the next step, just a little ahead, oxygen, whatever the difficulties. So, what do you feel? You face the same difficulties, as I said, because out there the oxygen levels are pretty low. So when you're climbing and then you get really tired, and each step is like very difficult to take. And out there, I would say like the oxygen level low, and then you just go, okay, can I take the next 3 steps or not? And then you go 1, 2, and 3. Okay, now I've done this. Next, let's see if we can take the next 3 steps or not. It is equally very difficult, but yes, with the help of supplementary oxygen, you can do it better.